क्या होती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था क्योंकि बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो सपोज जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, दैट वो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी है। ये आपको याद रखना है और मैंने उनकी एग्जाम्पल्स भी आपको सिखाई, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, जो एसिड्स, जो एसिड्स जल्दी डिसोसिएट होते हैं एक्वस फॉर्म में, वाटर में, उनको हम स्ट्रॉन्ग, जो पार्शियलिटी, उनको हम वीक बोलते हैं। ये सारा मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। तो ये चीज आपको याद रखना है, व्हाट इज करोसिव नेचर, दैट मीन्स दे कॉज सीवियर, खतरनाक किस्म के स्किन बर्नस करते हैं, दे कॉज सीवियर स्किन बर्नस, और दे ऑल्सो अटैक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स। सपोज मार्बल कैंसर वगैरह, वो किससे होता है, वो इससे ही होता है, जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस से वो होता है। अब जो एसिड्स होते हैं उनको हम मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उनको स्लोली करोड़ करते हैं, तो उस करोजन की वजह से वहाँ पे जो स्टोर किया हुआ गजा होता है वो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है और वो सारा खराब हो जाता है, वो सारा स्पाइल हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एसिड्स को मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा, सपोज मैंने आपको बताया कि सपोज CaCO3 है हमारे पास, ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिंपली ये Cl कैल्शियम के साथ क्या बन, CaCl2 बनाता है, वाटर निकलता है और कार्बोनेट, क्योंकि आपको पता है ये मेटल कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन मैंने बताया, साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकल। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपके आप उसमें होते हैं, जो आपके टेक्स्ट में होते हैं, वो आपको करने हैं। अब आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन। मैंने आपको पहले ही बताया सभी एसिड्स का कॉमन क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स अपॉन डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में डिजॉल्व करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच पॉजिटिव आयन्स। ये आपको याद रखना है। सब अगर मैं यहाँ पे लूंगा HCl, एक्वस का मतलब खुद क्या हो गया, मैंने एसिड को किसमें डाला, पानी में, तो वहां पे क्या बन गया, एच पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, हर कोई एसिड ही देता है, हाइड्रोजन आयन्स। सपोज अब सवाल है, क्या ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग, क्या ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंसेस एसिड्स है, नहीं, खाली वही है जो हाइड्रोजन में डिजॉल्व होने के बाद क्या देंगे, एच पॉजिटिव आयन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूंगा ग्लूकोज और अल्कोहल की, दोनों में क्या है, एच है, मगर जब हम इनको किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो एच पॉजिटिव आयन नहीं देते, ये एच पॉजिटिव आयन नहीं देते, जबकि दोनों में क्या हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनको हम क्या नहीं मानते हैं, एसिड्स नहीं मानते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं, न्यूट्रल इन, याद रखिएगा। और आगे जाके आप पढ़ोगे, अल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक है, मगर सिंपल पानी में डालने पर ये क्या नहीं देता है, ये एच पॉजिटिव नहीं देता है। इसलिए आपको याद रखना है कि
कि ऑल एसिड्स हैव क्या एच पॉजिटिव आयन। जब भी हम एसिड्स को किसमें डालते हैं, पानी में, तो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या क्या बनाते हैं, या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये एच पॉजिटिव फिर किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। तो ये एक चीज आपको याद रखना है, कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। कॉमन थिंग टू ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये आपको याद रखना है। सपोज अगर मैं अभी लूंगा CH3COOH एसिटिक एसिड, अगर मैं पानी में डालेंगे तो ये क्या देते हैं, एच पॉजिटिव एक्वस, और क्या देते हैं, CH3CO-। ये भी क्या है, ये भी एक एसिड है, तो याद रखिएगा। अब कौन एसिड कितना हाइड्रोजन आयन्स फर्निश करेगा पानी में डिजॉल्व करने के बाद, पानी में डिजॉल्व करने के बाद कौन सा एसिड कितना एच पॉजिटिव देगा, वो उतना स्ट्रांग होता है। जो जितना ज्यादा देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड मान के चलते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और उस एसिड के इस एच पॉजिटिव आयन फर्निश करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी याद रखिए, ये उल्टा है एसिडिक, उसका एसिडिक एसिड डिफिनेशन अलग है, बेसिसिटी अलग है। बेसिसिटी मीन्स The power of H positive ion furnishing of the acid. Sorry, यहाँ हम ये बोलेंगे basis, it is the number of H positive ions furnished by the acid in aqueous form. Aqueous form में ये कितने H पॉजिटिव देगा वो चीज क्या कहलाती है। तो HCl कितना देता है, ये एक देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1। H2SO4 कितना देता है, वो 2 देता है, 2H पॉजिटिव, और क्या देता है, SO4 2 नेगेटिव, इसकी बेसिसिटी 2 है। H3PO4 ये कितना देता है, ये 3 देता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 है। जो जितना एच पॉजिटिव फर्निश करेगा वो इसकी क्या कहलाता है, वो इसकी बेसिसिटी कहलाता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो या ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। सपोज ये लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करते हैं सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, ये टर्मरिक को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जब इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट मतलब ये रिएक्ट तब करते हैं इंडिकेटर्स के साथ भी, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जब ये किस फॉर्म में होते हैं, जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो अब आपको ये समझ आया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो भी वीक एसिड है, और जो सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 वो भी वीक एसिड है। ये याद रखिएगा, HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4 ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ HI ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर H3SO4, H2CO3, H3PO3 या ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब क्या है, ये सब वीक एसिड्स। याद रखिएगा, इन चीजों का आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद जो यूजेस थे एसिड्स के वो भी मैंने पढ़ाए। अब जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, अब आप जो टेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, उनको क्या करना है, उनको आप टेक्स्ट खुलानी है, वहां पे देखना है अगर कोई टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से खाली वीक एसिड्स की अगर आप डाइल्यूशन करोगे, अगर आप वीक एसिड्स के साथ क्या शाबाश पानी डालोगे, या आप वीक एसिड्स की जो
डाइल्यूशन इंक्रीज करना चाहते हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। मगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है, अगर उनकी आप डाइल्यूशन करोगे तो उनकी एच पाउच जो आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं, तो आपको फिर देखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बताना। थैंक्स फॉर नॉट पढ़िंग।